एक साथ होता है और फिर मैं का स्फुरण होता है और मैं कौन हूं, कहां हूं ये मालूम करता हूं। तो इस मोह में से निकले हुए, अज्ञान दशा में से निकले हुए, सुषुप्ति अज्ञान दशा है, मोह है, वहां से निकले हुए अहम की तीन स्थिति होती है। माने जब मोह अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है, जाहिर होता है, तो वो तीन रूपों में प्रकट होता है, एक सात्विक, राजस और तामस। तो सात्विक अहम को विभीषण बोलते हैं और तामस अहम को कुंभकर्ण बोलते हैं और राजस अहम को रावण बोलते हैं। ये अहंकार के ही तीनों रूप। अब जो दैत्य के रूप में पहले प्रकट हुए थे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, तो उनके साथ पुत्र के रूप में प्रहलाद आए थे। वे दोनों लोभ के रूप हैं, अहंकार के साथ लोभ रहता है। तो हिरण हिरण दोनों के नाम में है, सोना सोना सोना, परंतु तीसरे प्रहलाद कौन है? तो जिन परमर्षि सनत कुमार ने शाप दिया था, उनको शाप देने का कोई अभ्यास तो था नहीं, तो भगवद इच्छा से ही समझो उन्होंने श्राप दे दिया। भगवान के पास जाने में रुकावट पड़ी, श्राप दे दिया। अब श्राप देने के मन में ये आया कि हमने इनको श्राप दे करके असुर बना दिया है, तो इनके उद्धार के लिए भी हमको चलना चाहिए। तो ये पुराण की कथा है कि सनत कुमार ही प्रहलाद के रूप में आए और हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मारने के लिए नहीं, बल्कि प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ। और हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भी वस्तुतः भगवान के अंश, भगवान के भक्त ही थे,
तो वो लोभ प्रधान हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, अब काम प्रधान रावण और कुंभकर्ण हुए। ये कामी हैं, काम बस परस्त्री का अपहरण करते हैं, तो इनके उद्धार के लिए भी विभीषण के रूप में शनक आदि आए और विभीषण ने भगवान को ले जाकर रावण और कुंभकर्ण का उद्धार करवाया। और तीसरे जन्म में क्रोध की प्रधानता से, द्वेष की प्रधानता से शिशुपाल और दंत वक्त्र हुए, परंतु वे श्री कृष्ण के पहले से ही संबंधी हो गए थे और तीसरे जन्म में उनका उद्धार बिल्कुल निश्चित था, इसलिए सनत कुमार किसी रूप में उनके साथ नहीं आए। अब विभीषण, इसका अर्थ हुआ कि विभीषण हुए सात्विक अहम के रूप में। तो सात्विक अहम क्यों हो गए विभीषण, कैसी लिए कि रावण और कुंभकर्ण के उद्धार के लिए सात्विकता की आवश्यकता थी। आप सत्वगुण के बारे में जानते ही हैं। अब विभीषण पर कुछ दोषारोप हुए हैं, तो उन दोषारोपों के संबंध में हमारे जो आचार्य हैं उनकी बातों को तो लोग थोड़ा कम पढ़ते सुनते हैं और अपने मन की उड़ान ज्यादा भरते हैं। इस पर आचार्यों ने बहुत विचार किया। देखो, विभीषण के जीवन में छह प्रकार शरणागतियों में से दो प्रकार तो लंका में ही प्रकट हो गए थे। आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम। वे रावण को समझाते सभा में तो, घर में तो, उनकी पत्नी उनकी पुत्री सीता जी को आश्वासन देती तो वे सदा राम के अनुकूल रहे। वाल्मीकि रामायण में ये बात आई है कि जब सीता जी अशोक वन में बहुत दुखी हो जाते तो उनकी पत्नी जाकर उनको समझाती, शर्मा, और उनकी पुत्री जो है वो झटपट दौड़ के उनके पास पहुंच जाती और राम रावण युद्ध में क्या प्रक्रिया चल रही है इसको बता देते। तो राम जी की अनुकूलता विभीषण के जीवन में लंका में भी रही और कभी प्रतिकूल पक्ष उन्होंने ग्रहण नहीं किया, कभी रामचंद्र जी के उल्टे नहीं चले। तो दो बात तो पहले से ही विभीषण के जीवन में निश्चित थे। अब ये हुआ कि रावण के तिरस्कार करने पर या ये कह देने पर कि तुम वध करने के योग्य हो, वे वहां से उड़े। तत्वा पुत्राश्च दाराश्च धनंच, अपना पुत्र पत्नी धन सब छोड़कर वे राम की शरण में हुए। तब एक प्रश्न उठा कि विभीषण जी ने अपने भाई को छोड़कर, क्योंकि बड़ा भाई तो पिता के समान होता है, उसको छोड़ करके राम की शरणागति क्यों ली। उनके मन में राज्य का लोभ होगा इसलिए धर्म का उल्लंघन किया। आचार्य लोगों ने कहा कि नहीं, विभीषण जी के मन में राज्य का लोभ बिल्कुल नहीं था। एक दो जगह इसकी चर्चा जरूर वाल्मीकि रामायण में आई है। एक तो सुग्रीव का उत्तर देने के लिए हनुमान ने कहा है कि इनका तो लाभ ही लाभ है, रामचंद्र के पक्ष में मिलने से रावण मिल जाएगा तो इनको राज्य की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए विभीषण हमारे पक्ष में सचमुच आ गए हैं। तो ये सुग्रीव जी की बात का उत्तर देने के लिए था कि ये हम लोगों को हानि पहुंचाने के लिए हमारे साथ नहीं मिल रहा है,
बल्कि इसका तो लाभ है हमारे साथ मिलने में, हमको हानि कैसे पहुंचावेगा। और एक आध जगह और भी ऐसी बात आई है, परंतु विभीषण की चर्चा ये मुख्य है कि अच्छा लक्ष्मण ने माता पिता की सेवा छोड़ करके राम की सेवा का अंगीकार क्यों किया, सीता जी ने सास ससुर की सेवा छोड़ करके रामचंद्र की सेवा का अंगीकार क्यों किया। तो जहाँ सामान्य धर्म होता है वहाँ तो सबका बराबर होता है, लेकिन जहाँ विशेष धर्म होता है वहाँ व्यवस्था दूसरी प्रकार की होती है। ये जो राम है ये साक्षात परमात्मा है, ये बात दूसरी है। वो तो महात्मा लोग अपने हृदय में उनको परमात्मा के रूप में अनुभव करते होंगे, उनका जीवन सर्वथा निर्दोष है और अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गणों से परिपूर्ण है। एक मानव को, एक सूर्यवंशी को ऐसे ही होना चाहिए। मनुष्य का आदर्श रूप जो है वो आदर्श मानव राम है। तो ठीक है, तो जो सबके लिए माता पिता की सेवा है, जो सबके लिए भाई और संबंधियों की सेवा है, ये सर्वात्मा भगवान की सेवा जो है वो उसकी अपेक्षा विशेष है। ये तो मानव मात्र की सेवा की दृष्टि से ये बात होती है। अब विभीषण जो है वो चाहे सनत कुमार के अवतार हों और चाहे सात्विक अहंकार रूप हों, वो राक्षस जीवन नहीं व्यतीत कर सकते और सामान्य धर्म में स्थित नहीं हो सकते, इसलिए राम की शरण में आना उन्हें सर्वथा प्राप्त है। बल्कि कहीं छोटे मोटे कर्तव्यों का उल्लंघन करना पड़े तो उसको करके भी, जैसे अपना परिवार है और अपने संबंधी हैं और अपना गांव है, उसको छोड़ करके भी राष्ट्र की और मानवता की सेवा कर्तव्य होती है। इसी प्रकार भगवान की सेवा, राम की सेवा तो सबकी सेवा है। इसलिए विभीषण की जो शरणागति है वो किसी लोभ से नहीं है, किसी लौकिक लाभ की प्राप्ति के लिए नहीं है, धर्म का उल्लंघन नहीं है। भगवान की शरणागति तो सबके लिए धर्म है। भगवान का अर्थ है सर्वात्मा। सर्वात्मा सबकी सेवा, सबको सुख पहुंचे, धर्म की रक्षा हो, इसके लिए विभीषण राम की शरण में आते हैं। अब एक दूसरी बात आप देखें, तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के साथ जो संबंध हो जाता है, जिसका संबंध भगवान के साथ हो जाता है, उनमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ये तो हम अपनी ओर से विवेक करते हैं। वो बड़ छोट कहत अपराधो, जो भगवान के साथ जुड़ गया वो चाहे सफाई की सेवा करता हो और चाहे सामग्री लाने की सेवा करता हो, चाहे रक्षा की सेवा करता हो और चाहे ज्ञान संबंधी चर्चा करता हो, तो वो तो भगवान की ही सेवा कर रहा है। इसलिए भगवान की सेवा में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, और भगवान की सेवा माने सबकी सेवा। ये बार बार मैं दोहराता जा रहा हूँ। तो ये विभीषण का जो भगवान की शरण में आगमन है, ये सर्वथा धर्मानुकूल है। ये न तो भाई का इसमें विरोध है और न तो कोई लोभ लालच है। ये तो भगवान रामचंद्र ने ही दो बार तीन बार कहा है कि यद्यपि विभीषण तुम्हारे मन में राज्य की वासना नहीं है, वाल्मीकि रामायण में ये बात दो तीन बार आती है कि तुम्हारे मन में राज्य की वासना नहीं है, फिर भी मैं तुमको राज्य तिलक करता हूँ। तो एक बार तो रामचंद्र ने ये बात सुंदरकांड में कही, लंकाकांड में, युद्धकांड में कही, और दूसरी बार जब
अयोध्या जी से विभीषण को विदा करने लगे तब भी वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र ने यही बात कही कि यद्यपि तुम्हारा मन हमारे साथ रहने का ही है और राज्य की तुम्हारे मन में कोई वासना नहीं है, फिर भी मेरी आज्ञा मान करके तुम लंका में जाओ और वहाँ राज्य करो। इसलिए विभीषण की जो सात्विकता है वो सर्वथा सुसंगत है। उनको ये कहना कि वो किसी से नीचे हैं या किसी से ऊपर हैं तो ये बात नहीं बनती है। अब दूसरी बात देखो, भगवान की शरण में आने वाले तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वे होते हैं जो भगवान का भजन करते हैं, नाम लेते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं और उनसे दूसरी कोई चीज मांगते हैं। कहे भगवान हमने तुम्हें 5 रुपए का लड्डू चढ़ाया है तो तुम हमारे पास 5,000-5,00,000 रुपए की कोई वस्तु हमारे पास भेज देना, या हम तुम्हारी पूजा करते हैं तो तुम हमारा ब्याह करवा देना अच्छी लड़की से या अच्छे लड़के से। तो दूसरी चीज की को पाने के लिए जो भगवान का भजन करते हैं वो भगवान के प्रेमी नहीं है, वो तो उस चीज के प्रेमी हैं। उस जिस वस्तु के लिए वो भगवान का भजन करते हैं वो पुत्र के प्रेमी है, भगवान से कहते हैं तुम हमारे पुत्र की रक्षा करो। वो धन के प्रेमी है, भगवान से कहते हैं हमको धन दे जाओ। तो जो भगवान से भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु चाहते हैं वे एक प्रकार के भजन करने वाले होते हैं। और जो भजन करके अपने भजन से भगवान को ही चाहते हैं वो दूसरी प्रकार के लोग होते हैं। तो हम भजन तो करते हैं, सेवा तो करते हैं, परंतु सेवा के सेवा भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं। जैसे ऐसे समझ लो कि पाना है मिनिस्टरी और करते हैं राष्ट्र की सेवा, तो ठीक है वो भी राष्ट्र की सेवा है लेकिन मिनिस्टरी प्राप्त करने के लिए है। और नारायण तो नहीं, हमको तो राष्ट्र की सेवा करनी है, अपना जीवन राष्ट्र के लिए लगाना है और हम कुछ नहीं जानते, राष्ट्र से कुछ नहीं। और एक लोग ऐसे होते हैं जो भगवान से ही भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने बल पौरुष की कीमत नहीं लगाते हैं। माने हम इतना जप करेंगे तो भगवान मिलेंगे, इतना ध्यान करेंगे, इतनी पूजा करेंगे, इतना पाठ करेंगे, इससे भगवान की प्राप्ति होगी। वो हमारे बल से भगवान मिलेंगे कीमत लगाते हैं। एक ने हमसे पूछा कि स्वामी जी हम कितना धन खर्च करें तो हमको भगवान मिल जाएंगे। 15-20 वर्ष की बात है, बंबई में सब लोग जानते हैं, सेठ का नाम नहीं लेते। 15-20 वर्ष हो गए और मैंने कहा कि सेठ भगवान को खरीदा नहीं जाता है, भगवान को खरीदने के लिए कोई इतनी कीमती चीज तुम्हारे पास नहीं है। तो भगवान को तो अपने आप को दिया जाता है, भगवान देने की वस्तु है। अब जो संत लोग हैं वो कहते हैं कि हम भगवान को चाहते तो जरूर हैं लेकिन हमारे पास भगवान की प्राप्ति की कीमत चुकाने के लिए साधन नहीं है, तो तब हमको क्या करना चाहिए, कैसे करें, क्या करें। तो बोले कि भगवान स्वयं हमको हमारी निर्बलता देख करके भगवान हमको मिल जाए। तो वहाँ ये वर्णन होता है कि उपाय भी भगवान है और उपेय भी भगवान है, पाना भी भगवान को ही है और भगवान के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करना है, स्वयं भगवान ही हमको मिलेंगे। तो शरणागति का अर्थ ये होता है कि भगवान हमारी निस्साधनता देखकर हमको मिले। असल में जिसका कोई मालिक नहीं है, दूसरे का सहारा नहीं, ऐसा समझो जिसके पास कोई पूंजी नहीं है और कोई दूसरा सहारा नहीं है,
वो किसकी गोद में है, वो किसकी गोद में है, वो राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति गोद में है। राष्ट्र का ही धर्म है कि स्वयं उसका पालन पोषण करे। ऐसे जिसके पास अपना कोई साधन संबल नहीं है उसके स्वामी तो साक्षात भगवान ही है। अब यही शरणागति का रूप है कि उसमें न तो भगवान से दूसरी कोई वस्तु लेना है और न तो अपने बल पर भगवान को खरीदना है, बल्कि सोलह आने अपना बल छोड़कर, अपना सुख स्वार्थ छोड़कर भगवान के साथ मिल जाना है। श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक पद लिखा है, भगवान राम पह जाऊंगो सुख स्वार्थ परिहरी करिहौ सोई यही साहिब ही सुहाऊंगो। भगवान राम पह जाऊंगो, मैं तो भगवान राम के पास जाऊंगा और अपना सुख और अपना स्वार्थ स्पष्ट कि विभीषण के हृदय में भाव क्या है, सुख स्वार्थ परिहरी करिहौ सोई यही साहिब ही सुहाऊंगो। जैसे भगवान को अच्छा लगे वही मैं करूंगा, मेरा अपना कोई सुख नहीं और अपना कोई स्वार्थ नहीं। तो शरणागति के दो अंग लेकर के तो विभीषण वहाँ स्वयं उपस्थित हुए थे, आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम। अब तीसरा अंग है शरणागति का विश्वास, रक्षिष्यति इति विश्वासः, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। विभीषण के मन में विश्वास है कि जब वो देखेंगे हमको तो बुला लेंगे, तो विभीषण आओ आओ हमारे पास आ जाओ और मैं जा करके उनके चरणों में लौट जाऊंगा। ये शरणागत की रक्षा केवल भगवान का ही धर्म नहीं है, मनुष्य का भी वही धर्म है, क्योंकि भगवान का दृश्यमान रूप जो है वो ये मानव ही है, न मानुषात्म श्रेष्ठ तरम किंचित, इससे बढ़ करके और तो कोई वस्तु नहीं है। अदृश्य रूप भगवान का भले कुछ भी हो गए, परंतु दृश्य रूप जो है ये जगत ही भगवान का रूप है, तो हम तो देख करके भगवान बुला लेंगे। अब ये भगवान जो बुलाते हैं वो साधन संपन्न को ही बुलाते हैं, सो बात नहीं है। तीन प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, एक सुसाधन और एक निस्साधन और एक कुसाधन, तीनों को भगवान अपने पास बुला लेते हैं। तो सुसाधन तो होते हैं बड़े बड़े ऋषि महर्षि, तपस्या करते हैं, साधन करते हैं, उनको भगवान बुला लेते हैं अपने पास। निस्साधन के रूप में देखो तो अहल्या बेचारी पत्थर हुई पड़ी थी और जा करके भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श दे करके ऐसे ही साफ था कि जब रामचंद्र के चरणों का स्पर्श होगा, वहां भी भगवान का नाम नहीं है और न तो अहल्या ने भगवान की कोई स्तुति की है। साफ यही था कि राम के चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा, बिल्कुल निस्साधन पत्थर होकर पड़ी हुई अहल्या थी और उसके पास भगवान गए। और जो कुसाधन होते हैं तो उनका भी भगवान उद्धार करते हैं। अब उनका दृष्टांत हम यहाँ अधिक नहीं देते हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में अपने संस्कारों की इतनी दृढ़ता होती है कि वो उसके विरुद्ध कुछ सुनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का भी उद्धार जो भगवान से बिल्कुल विमुख हैं, मानवता से बिल्कुल रहित हैं, कंस आदि की सेवा में तत्पर हैं, भगवान की ओर देखते तक नहीं है, उनको भी भगवान जाकर के छेड़ते हैं, अपनी ओर से छेड़ करके उनको अपने सम्मुख कर लेते हैं। ऐसी करुणा भगवान के भीतर भरी हुई है और जो करुणा भगवान के नाम में है, रूप में है, वही करुणा भगवान के नाम में भी है। ये अजामिल आदि का जो प्रसंग है वो नामगत करुणा का निरूपण करने के लिए है, और कुब्जा आदि का जो प्रसंग है वो रूपगत करुणा का निरूपण करने के लिए है। भगवान ये नहीं देखते कि ये कैसा है, वो देखते हैं मैं कैसा हूँ।
आपको एक बहुत साधारण सी बात सुनाता हूँ। एक बार जोशी मठ में हम ऐसे समय पर पहुंचे, अंधेरा हो गया था कि कहीं ठहरने की जगह नहीं मिली। एक सेठ वहां अपने पूरे परिवार के साथ सैकड़ों लोग ठहरे हुए थे। मैं उनके पास चले गया, भाई रात का समय है, यहाँ सो जाएंगे। उन्होंने झट जगह कर दी सोने की, भोजन बना तो सोइए नहीं, जरा मोटी मोटी पूरी बना दी। तो उनकी लड़की परतने के लिए आई और जब चौके में गई तो देखा पूरी बहुत मोटी मोटी थी, उसने थाली पटक दी। बोले तो मैं परतने जाऊं और ऐसी पूरी? हम भिखारी थे, जो खाने वाला है वो तो भिखारी था, साधु था, रसोइये ने उसका कोई आदर नहीं किया। उसने सोचा भिखारी लोग हैं, चाहे जैसे खिला दें। लेकिन लड़की ने कहा कि ये तो मेरे स्वरूप के अनुरूप नहीं है, मैं ऐसी पूरी अपने हाथ में लेके कैसे जाऊंगा। तो भगवान जो है वो ये नहीं देखते हैं कि जिसको हम दे रहे हैं वो कैसा है, ये देखते हैं, ये भगवान की करुणा, ये उनका सहज स्वभाव कि जब वो किसी को कुछ देते हैं तो अपनी ओर देख करके देते हैं कि हम इसको क्या दे सकते हैं। और कभी कभी तो अपने तो देख लेते हैं कि हम असहाय हैं, इसके योग्य देने लायक हमारे पास कोई वस्तु नहीं है। हनुमान जी से कह दिया, मैं तेरो ऋणी हूं, कहो कपिसो। ऐसा करुणा वरुणालय कौन होगा। तो शरण में जो गुण होता है, शरण साधु, वो सब भगवान में होता है और वो दूसरे को नहीं देखते हैं। इसी से मैं कल सुना रहा था कि जब सुग्रीव ने कहा कि इसको बांध के रख लिया जाए, अंगद ने कहा कि इसकी परीक्षा की जाए और हनुमान जी ने कहा कि ये बहुत शिष्ट है, भगवान ने कहा ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है। मित्र भावे न संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचना, ये मित्रता के भाव से मेरे पास आया है, मित्रता के भाव से आया है। विभीषण जी बारंबार रावण से कहा करते थे कि रावण, रामचंद्र के साथ तुम मैत्री कर लो तो तुम्हारा राज्य अविचल हो जाएगा, सीता दे दो राम को और पुष्प चंदन आदि लेकर के थाली में चलो, वो तो तपस्वी हैं और यहाँ वनवास करने आए हैं, जैसे तुम औरों का स्वागत सत्कार करते हो वैसे राम का भी सत्कार करो, सीता को लौटा दो। और जब राम के साथ जैसे तुमने बाली के साथ मैत्री कर रखी थी तो वैसे राम के साथ तुम मैत्री कर लो तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। ये सलाह विभीषण हमेशा देते थे। अब भगवान कहते हैं मित्र भावेना संप्राप्तम, जो दूसरे को भी हमारे साथ मैत्री करने की प्रेरणा देता है वो स्वयं मेरे पास आया है। अब जब अमित्र भी मित्र का भाव लेकर के आवे तो उसको स्वीकार करना पड़ता है, कल ये तो सचमुच मित्र भाव से ही हमारे पास आया है। न त्यजेयम कथंचन, रामचंद्र ने कहा कि इसको मैं किसी भी दशा में छोड़ नहीं सकता, भले मुझे अयोध्या का राज्य छोड़ना पड़े, भले मुझे लंका पर विजय छोड़नी पड़े, भले मुझे मरना पड़े, परंतु न त्यजेयम कथंचन, इसको छोड़ने की शक्ति तो हमारे अंदर है ही नहीं। मैंने श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि महाराज ये कृपा क्या होती है, करुणा क्या, कृपा क्या होती है, कृपा के लिए पूछा था। तो ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, ब्रह्म चर्चा हो रही थी, ये कृपा क्या होती है। तो बोले अपरित्याग लक्षणा कृपा, किसी को न छोड़ना ही ये कृपा है। तो ये ब्रह्म जो है वो सबके आत्मरूप से विद्यमान है
चाहे कोई चर मालूम पड़े कि अचर, अचरम चरम एवज, ये जो चराचर दोनों रूप में ब्रह्म की स्थिति है, यही उसकी कृपा है कि दुनिया में कोई कुछ भी कहे परंतु आज तक परमात्मा ने किसी को छोड़ा नहीं है। परमात्मा ने कभी किसी का परित्याग किए ही नहीं है। नरकस्थ जीव की आत्मा के रूप में भी परमात्मा ही रहता है। न त्यजेयम कथंचन, मैं कभी किसी भी प्रकार छोड़ नहीं सकता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। मित्र भावे न संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। अब मित्र में दोष निकल जाए तो बोले कि दोषो यद्यपि तस्य, भले उसका दोष हो, गए दोष है उसके अंदर, कोई निर्बलता है, तभी तो हमारी शरण लेने के लिए आया है। ये नहीं कि जो दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे लोग हों वो हमारी शरण में आवे। अरे अपने कर्म से जो उतरेंगे पार तो कह हम करतार, करतार तुम काहे के। यदि मनुष्य में अपना बल हो ही कि वो पार हो जाए तो दूसरे का सहारा ले ही क्यों। इसलिए ये जो शरणागति है ये कोई धर्मनिष्ठ का, उपासना निष्ठ का, योग निष्ठ का, ज्ञान निष्ठ का ये काम नहीं है। जो निस्साधन है वो भगवान की शरण में आता है और ये सर्वोपरि उपाय है, क्योंकि इसमें उपेय का बल है। अपने बल से भगवान को प्राप्त नहीं किया जाता, भगवान के बल से भगवान को प्राप्त किया जाता है। गीता में जो सर्वधर्मान परित्यज्य है उसका अर्थ यही है कि तुम अपने धर्म के बल से हमको प्राप्त नहीं कर सकते, मेरे बल से मुझे प्राप्त कर सकते हो। माम एकम शरणम व्रज, जने जने की शरण में जाने की जरूरत नहीं है, एकम माम, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, उसमें धर्म की, उसमें उपासना की, उसमें योग की, उसमें ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपने धर्म के बल पर मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, तुम आओ मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें अपनी गोद में लेकर के और तुम्हारा जो कुछ प्राप्तव्य है सो तो हमारे पास ही है। न त्यजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्यस्यात्, भले शरण में आने वाला दोषी होए, दोषी है तो क्या हुआ, हमारी शरण में तो आया है ना, अब हम उसका इतिहास खोल करके देखें कि ये कैसा है कैसा है कैसा है। हमने तो ऐसा सुना था महाराज कि कबीर साहब अपनी कुटिया में परिवार के साथ सो रहे थे, रात को एक आदमी ने आके उनकी किवाड़ी खटखटाई, और किवाड़ी खटखटाई तो उन्होंने खोल दिया तो उसने बताया कि मैं चोर हूँ और पुलिस मेरा पीछा कर रही है, वो मुझे मार डालेगी, आप मेरी रक्षा कीजिए। अब कबीर साहब ने देखा तो उनके घर में तो कुछ बहुत ज्यादा जगह नहीं थी, उन्होंने कहा ये मेरी लड़की सो रही है, तुम इसके साथ सो जाओ चुपचाप, बस बोलना मत, मैं कर लूंगा, जो कुछ करना होगा सब कर लूंगा। अब पुलिस आई, उसने भी कबीर साहब की कुवारी खटखटाई और कबीर साहब ने खोल दिया, बोले तुम्हारे घर में कौन कौन है, चोर सिपाही, और बोले कि देख लो हमारा घर तुम्हारे सामने है। अब वो घर देखने लगे तो एक स्त्री पुरुष एक साथ सो रहे थे, बोले ये कौन है, कही हमारा जमाई है, हमारी बेटी सो रही, बेटी के साथ सो रहा है हमारा जमाई है, और चोर उसको छोड़ गए। तो दोषो यद्यपि तस्यस्यात्, अब कोई कहो कि इस दोषी की रक्षा करना तो बड़ा बुरा है, इस प्रकार तो संसार की कोई व्यवस्था ही नहीं चलेगी। बोले तेने सताम एतद् अगर्हितम्, सत्पुरुषों में इस बात को निंदित नहीं माना जाता कि शरणागत की रक्षा की गई है, शरणागत की रक्षा करने में कोई निंदा की बात नहीं है, भले दूसरे लोग निंदा करें उस निंदा की कोई परवाह नहीं है, लेकिन सत्पुरुष लोग जानते हैं कि आज तक परमात्मा ने किसी को छोड़ा नहीं, सद वस्तु ने किसी को छोड़ा नहीं, चिद वस्तु ने किसी को छोड़ा नहीं, आनंद वस्तु ने किसी को छोड़ा नहीं, अद्वैत वस्तु ने किसी को छोड़ा नहीं। तो सताम एतद् अगर्हितम्, ये सत्पुरुषों में ये निंदा की वस्तु नहीं है। अब ये बात हुई कि तो महाराज फिर क्या किया जाए, तो बोले देखो पहले हमारा व्रत, हमारी प्रतिज्ञा सुन लो।
वो प्रतिज्ञा वचन जो है वो भगवान रामचंद्र का, ऐसा लगता है कि जैसे एक ही वस्तु अपने को प्रकट कर रही हो राम के रूप में और कृष्ण के रूप में। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, नारायण मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। एक महात्मा रहते थे ऋषिकेश की तरफ, तो मैं एक दिन गया उनकी कुटिया में दर्शन करने के लिए। तो वो जरा बहुत विनोदी स्वभाव के थे, भगवान से भी विनोद करते थे। तो उन्होंने अपनी कुटिया के ऊपर एक श्लोक लिख रखा था संस्कृत का, वो क्या था, सर्वा गीता मया गीता, सारी गीता मैंने पढ़ ली और तत्र प्राप्त विनिश्चय, सारी गीता पढ़ते मैं इस निश्चय पर पहुंचा। किस निश्चय पर मारा, सर्व धर्म परित्यागी सर्व पापी प्रमुच्यते, जो सब धर्म छोड़ देता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये गीता पढ़ के मैंने तो ये निश्चय प्राप्त किया। तो असल में पाप पुण्य के बारे में भी तो लोगों की धारणाएं अलग अलग होती हैं। नारायण अब भारतीय कानून को जानने वाला तो अमेरिका के कानून को नहीं जानता है, नहीं जानता है तो वो उल्टा पड़ता है। अब अपने अपने मजहब की कानून के अनुसार मुसलमान मजहब के कानून दूसरे हैं और ईसाई मजहब के कानून दूसरे हैं। अब मजहबी कानून के अनुसार जब सबको तौला जाए तो जो पांच बार नमाज नहीं पढ़ेगा वो काफिर हो जाएगा, और ईसाई मजहब के अनुसार तो सात दिन में एक दिन खुदा के ईश्वर के सामने जाना पड़ता है। तो ये पाप पुण्य का निर्णय जो है वो इस दृष्टि से नहीं होता है, उसकी उसका दृष्टिकोण जो है वो बिल्कुल दूसरा है। और माम एकम शरणम ब्रज, ये जैसे कृष्ण बोलते हैं उसी प्रकार भगवान रामचंद्र बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, सकृदैव प्रपन्नाय तव अस्मि तिथि जाचते, अभयम सर्वभूते भ्यो ददाम्येतद् व्रतम् मम, अहम् त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो मुमुक्षुर्वै शरणमहम् प्रपद्ये, उपनिषद में वचन आता है कि मैं संसार दुख से मुक्त होने के लिए आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। गीता में देखो भगवान का नाम ही शरण है, जहाँ एक और तो आता है तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत माम एकम शरणं व्रज, दूसरी ओर आता है शरण शब्द स्वयं भगवान का वाचक है, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीज मध्यम शरणं सुहृत, शरण क्या है, साक्षात भगवान ही शरण है। तो सकृदैव प्रपन्नाय, चलो भाई भगवान की शरण में। ये जो छोटी छोटी शरणागति है, मंथरा की शरण लेने से कल्याण नहीं होगा, कैकेयी की शरण लेने से कल्याण नहीं होगा, समुद्र की शरण लेने से भी कल्याण नहीं होगा। शरण के लिए शरणागति जो है वो तो सर्वात्म दृष्टि पूर्ण दृष्टि से प्राप्त होती है। एक बात आपको सुनाता हूँ, मैं 18-19 वर्ष का था तो एक महात्मा के पास गया, बहुत अच्छे महात्मा माने जाते थे, हमको तो अच्छाई बुराई का उतना पता नहीं, पर वो कोई 90 बरस की तो उनकी उम्र थी और दौड़ते थे खूब और खूब बालू अपने शरीर में लगाते थे, कभी लंगोटी पहनते थे कभी नहीं भी पहनते थे, नंगे रहते थे। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि महाराज हमको आप भगवान की शरण में कर दीजिए, शरणागत बना दीजिए भगवान का। वैष्णव में ऐसा मानते हैं कि आचार्य द्वारा शरणागति होती है, उसके लिए कोई आचार्य चाहिए, जैसे यहाँ विभीषण को शरण में करने वाले हनुमान जी आचार्य हैं, का इसी प्रकार भगवान की शरण में आने के लिए कोई आचार्य चाहिए। मैंने कहा आप हमें भगवान का शरणागत कर दो, तो वे बहुत हंसे। अच्छा बोले कि गुरु, हम तो गुरु बोलते थे, काशी में चेले को भी गुरु बोल लेते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और बोले गुरु तुम हमको घंटे दो घंटे एक दिन दो दिन सोच के ये बताओ कि ऐसी कौन सी वस्तु है सृष्टि में जो भगवान की शरण में नहीं है।
मालवीय जी भी उनके पास गए थे एक बार, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनके पास गए थे एक बार, और गोपीनाथ कविराज तो बारम्बार जाते थे, बड़ी महिमा थी उनकी। मैंने कहा हमको भगवान का शरणागत कर दो। तो वो बोले कि गुरु तुम ये बताओ कि ऐसी कौन सी वस्तु दुनिया में है जो भगवान की शरण में ना हो। पृथ्वी क्या भगवान की शरण में नहीं है? जेन देव रुद्रा पृथ्वी च दृढ़ा ओम भूरसी भूमि रसी दिति रसी है। महाराज पृथ्वी तो भगवान की शरण में है। अच्छा तब जल, जल भी मैंने सोच विचार के बताया शरण में भगवान के। अग्नि, अग्नि भी है। सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा। वायु, वायु भी। आकाश, आकाश भी। तब इन्हीं तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है ये क्या भगवान की शरण में नहीं है? इन्हीं तत्वों से बना हुआ मन है ये क्या भगवान की शरण में नहीं है? तब शरणागति क्या है? उन्होंने कहा कि ये जो भ्रम बैठ गया है मन में कि हम भी बलवान है, हमारा भी अपना एक बल है, और समष्टि के बल से, भगवान के बल से हमारा पृथक कोई बल है, उनकी सत्ता से पृथक हमारी सत्ता है, उनके ज्ञान से पृथक हमारा ज्ञान है, उनके आनंद से पृथक हमारा आनंद है, उनके अद्वैत रूप से पृथक हमारा कोई द्वैत रूप है, यही भ्रम है। तो अशरणागति का जो भ्रम है कि मैं भगवान की शरण में नहीं हूँ, इस भ्रम को निवृत्त करना पड़ता है। शरणागति कोई क्रिया नहीं है, शरणागति कोई भावना नहीं है। जो भ्रम बैठ गया है तुम्हारे जीवन में उस भ्रम को निवृत्त कर दो। बस भ्रम की निवृत्ति ही शरणागति का बोध है। जैसे तत्वज्ञानी का जीवन कहता है प्रारब्ध के अनुसार, प्रकृति के अनुसार चलता है, वैसे भक्त का जीवन उसी कर्म के कर्ता और उसी प्रकृति के अधिष्ठान जो परमात्मा है उन्हीं से ये जीवन चल रहा है। असल में ये जो बोध है, जो अशरणागति का भ्रम है, उस भ्रम की निवृत्ति का नाम, उस भ्रम की निवृत्ति का नाम ही असल में शरणागति है। शरणागति एक बोध है, शरणागति एक सत्य है, शरणागति एक यथार्थ जीवन है। नहीं तो संकल्प विकल्पों के जाल में फंसे रहो। ये शरणागति कोई क्रिया या उपासना या जो अभ्यास अथवा नारायण और कुछ नहीं है। ये केवल एक बोध है कि हमारा शरीर जैसे माटी अन्न के बिना नहीं रह सकता, जैसे पानी के बिना नहीं रह सकता, जैसे गर्मी के बिना नहीं रह सकता, जैसे हवा के बिना नहीं रह सकता, ये तो बड़ी मोटी मोटी चीजें हैं, जैसे आकाश के बिना नहीं रह सकता, इसी प्रकार ये जो आत्म चैतन्य सत्ता है ये परमात्मा की सत्ता के बिना नहीं रह सकती। परिपूर्ण वही परमात्मा, वही परमात्मा है। तो ऐसी स्थिति में शरणागति का स्वरूप क्या होगा, आप विचार करके देखो। मधुसूदन सरस्वती ने शरणागति के तीन रूप बताए। शत्रुदयो प्रपन्नाय देते है वैसे सर्वधर्मान परित्यज्य की टीका में मधुसूदन सरस्वती ने शरणागति के तीन रूप बताए। एक तो तस्यैवाहम् ममासौ च त्वमेवाहम् इति त्रधा भगवत शरणत्वं स्यात् साधनाभ्यास पाकता। उन्होंने कहा कि एक तो शरणागति ये होती है कि मैं उसका, भगवान परोक्ष बैठे हैं कहीं और मैं उनका हूँ, इस प्रकार हम भावना करते हैं। एक शरणागति तो ये होती है, और एक शरणागति होती है कि तुम हमारे सामने हो और मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, एक शरणागति ये होती है। और तीसरी शरणागति क्या होती है? तो तीसरी शरणागति होती है त्वमेवाहम्, जो तुम हो सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तुम हो। शरणागति का तीसरा रूप ये है। तो अब आप देखो भगवान की शरणागति जो है, असल में यहाँ तो विभीषण की शरणागति विलक्षण है, और रामचंद्र भगवान तो कहते हैं कि शत्रुदय प्रपन्नाय तवास्मिति च जाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येत व्रतम मम। मेरे जीवन का ये व्रत है, ये प्रतिज्ञा है। तो शत्रुदय केवल एक बार, बार बार रामचंद्र को कुछ बार बार पसंद नहीं है,
नारायण दो बार निशाना लगाना भी पसंद नहीं है और दो बार किसी को बसाना भी पसंद नहीं है, दो बार किसी को देना भी पसंद नहीं है, एक ही बार इतना दे देते हैं कि उसको बार बार लेने के लिए आना न पड़े, बार बार बसाने की जरूरत ना पड़े, बार बार निशाना लगाने की जरूरत नहीं पड़े। बोले एक बार शत्रुदेव प्रपन्नाय, केवल एक बार भगवान की शरण में आ जाओ। ये शरण बहुत भगवान तो भी कह देते हैं भक्त लोग कि मैं इस भवसागर में जन्म जन्म से प्रभु भटक रहा हूँ, निमज्जतो नंत भवारणवांतः चिराय में कूल निवास लब्धा। मैं तो इस भवसागर में न जाने कब से डूब उतरा रहा था, लेकिन आज तो आप मिल गए तो इस भवसागर का किनारा मिल गया। त्वयापि लब्धम भगवन निदानीम अनुत्तमम पात्रमिदम दयायाः, लेकिन मुझे आप मिले हैं यही नहीं है, आपको भी मैं मिला हूँ। अरे भाई तुम मिले हो, क्या बड़ी बात हुई है। तो बोले मैं मिला हूँ महाराज। तुम्हें ऐसी क्या विशेषता है कि तुम अपनी छाती ठोक के बोलते हो कि मैं मिला हूँ। तुम त्वयापि लब्धम भगवन निदानीम, तुमको भी ऐसी बातचीत मिली है, दे दो, ऐसी बीज बेजोर चीज मिली है कि इतना बड़ा दया पात्र न तुमको कभी मिला है न आगे मिलेगा। अनुत्तमम पात्र मिदम दयाया, ये दया का अनुत्तम पात्र है, मुझसे बड़ा दया का पात्र और तुमको कभी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार भगवान की शरण में जाते हैं, न आस्था घर में न बसु निचे नैव कामोपभोगे। ये जो संकीर्ण दृष्टियां हैं वो उनको शरणागति खा जाती है। उसमें सामने होते हैं भगवान, उसमें सामने होते हैं भगवान, उसमें है भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं होती है। तो ये भगवान से मिलने का और शरणागति जो है ये उपाय भी है और उपाय भी है। इसी उपाय से भगवान मिलते हैं और यही जीवन में आनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें भगवान ही भगवान है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ये बात अपने मन से निकल जानी चाहिए। एक बात आपको बीरबल अकबर के भी सुनाते हैं। बीरबल अकबर आपस में विनोद करते थे, हो आप लोगों ने सुना ही होगा, कई बार सुना होगा। एक दिन अकबर ने कहा कि बीरबल मैं तुम्हारे ईश्वर से बड़ा हूँ। बीरबल ने हाथ जोड़ के कहा, हाँ साहब आप हमारे ईश्वर से बड़े हैं। बोले तुम बहुत खुशामदी हो, बड़े चापलूस हो, मैं जो कह दूं उसी में हाँ में हाँ मिला देते हो, बताओ मैं तुम्हारे ईश्वर से बड़ा कैसे हूँ। बीरबल ने कहा कि जहाँ बना आप जिस पर नाराज होंगे उसको अपने राज्य से निकाल सकेंगे, तो तुम निकल जाओ हमारे राज्य से, लेकिन ईश्वर किसी के ऊपर नाराज भी हो तो उसको अपने राज्य से नहीं निकाल सकता। तो मैं अपने राज्य से न निकाल सकना ये तो ईश्वर की मजबूरी है। वेदांती लोग भी बहुत बढ़िया बात इसके संबंध में कहते हैं। उनका कहना यह है कि चेतन तो मैं हूँ, ईश्वर है यदि मैं ही जानता हूँ, और ईश्वर मिलेगा भी तो हमको ही मिलेगा, हमारे सामने मिलेगा, यदि हम नहीं होंगे तो ईश्वर क्या होगा, ईश्वर किसको मिलेगा, ईश्वर को कौन देखेगा। तब हमसे अलग जो पड़ गया है ईश्वर वो हमारी चेतनता से कट गया है, अलग हो गया है। तो हमारी चेतनता से अलग होने पर या तो ईश्वर परोक्ष हो जाएगा, या तो कल्पित हो जाएगा, या तो जड़ हो जाएगा, या तो कल्पित हो जाएगा। हमारी चेतनता से अलग हो जाने पर ईश्वर कैसे ईश्वर रहेगा, बेहोश पड़ा है, ईश्वर है परंतु हमारे बिना वो बेहोश हो गया है। जब हमारी चेतनता उसके साथ मिलेगी तब वो चेतन होगा, वेदांति लोग कहते हैं। लेकिन उसके बिना हमारी क्या दशा है, तो उसके बिना हमारी ये दशा है कि हम कट गए हैं, छिन्न भिन्न हो गए हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, हम जर्रे जर्रे हो गए हैं। और हमसे होकर अलग होकर यदि ईश्वर बेहोश पड़ा है तो ईश्वर से अलग होकर के हम छिन्न भिन्न हो गए हैं, कट पिट गए हैं, दुखी हो गए हैं, अज्ञानी हो गए हैं, जन्म मरण से युक्त हो गए हैं। तब जब हम ईश्वर से मिलेंगे तो वो होश में आ जाएगा, और जब ईश्वर हमसे मिलेगा तो हम पूर्ण हो जाएंगे।
ये जो ईश्वर और जीव का परस्पर मिलन है उसका प्रकार क्या है, तो उसका प्रकार है शरणागति। तो सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मी तिथि याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि मम। भगवान का व्रत क्या है, भगवान की का व्रत माने व्रत वो होता है जिसको जीवन में धारण किया जाता है और जिसको छोड़ा नहीं जाता है, ऐसा अपने जीवन में व्रत होता है। तो भगवान का व्रत क्या है, उन्होंने भी एक व्रत ले रखा है। देखो भाई एक बात है, तो भगवान में ये नहीं है कि अपना है और ये पराया है, उसमें न तो ग्रामवाद है, न जिलावाद है, न प्रांतवाद है, न राष्ट्रवाद है, नारायण वो तो संपूर्ण विश्व ही परमात्मा का अपना स्वरूप है। उनमें न पक्षीवाद है, न पशुवाद है, न मनुष्यवाद है, सब उनका स्वरूप है। उनमें कोई ये मजहबवाद जो है ये तो ज्यादा करके बौद्धों के जैनों के पश्चात ये आचार्य मूलक धर्मों की बहुत ज्यादा सृष्टि हुई। नहीं तो धर्म तो ज्ञान ज्ञान मूलक ही होता है, ज्ञान की दृष्टि से धर्म होता है, तत्व ज्ञान की तत्व की दृष्टि से धर्म होता है। ये हमारा धर्म, ये तुम्हारा धर्म, ये महाराज व्यक्ति व्यक्तिवाद से जब धर्म आक्रांत हो गया तब उसमें अनेक विकृतियां और अनेक उसके भिन्न भिन्न प्रकार पैदा हो गए। नहीं तो भौगोलिक भेद की भारतीय है और ये भारतीय है, नारायण का ये जो है वो दूसरा मजहब है, ये दूसरा मजहब है, ये भेदभाव तो कहीं परमात्मा में छूते ही नहीं है। इसलिए ये शरणागति जो है ये किसी खास जाति के लिए नहीं है, सब जात के लोग ये शरणागत हो सकते हैं भगवान के, और ये किसी खास मजहब के लिए नहीं है, और सब मजहब के लोग भगवान की शरण में आ सकते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये किस मजहब को मानने वाला है और किस आचार्य को मानने वाला है और किस जाति का है और क्या करके आया है, ये सब तो देखते ही नहीं है। ये देखते हैं कि देखो ये मेरे पास आ गया तो सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार केवल एक बार प्रपन्न हो जाए। देखो गीता में भी प्रपन्न की चर्चा तो है ही, शिष्यस्ते हम साधुनाम त्वाम प्रपन्नम, अर्जुन ने कहा मैं प्रपन्न हूँ, प्रपन्न हूँ माने तुम्हारा पाँव पकड़ के अब तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। लेकिन अर्जुन ने कहा तो सही, लेकिन बाद में क्या बोलता है कि न जोते इति गोविंदम उत्तरा तूषणिम बहुबह। एक ओर तो बोला कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और तुम्हारा प्रपन्न हूँ, शिष्यस्ते हम साधुना, और दूसरी ओर बोलता है न जोते इति, तब प्रसन्ना भगवान हंसते हुए एवं भक्तो ऋषिकेशो ऋषिकेश प्रसन्न नारायण, अब तो भगवान हंसने लग गए, क्यों अर्जुन तुम हमारे शिष्य भी हुए, प्रपन्न भी हुए, शरणागत भी हुए, लेकिन जिद तो तुम्हारी अपनी बनी हुई है, न जोतते थी है? मैं नहीं लड़ूंगा। अरे बाबा जब मेरे शरणागत हुए, जब मेरे प्रपन्न हुए तो फिर मैं नहीं लड़ूंगा, ये तुम अपना निश्चय कार्यान्वित क्यों करना चाहते हो, फिर तो मैं तुमको समझाऊं। एक बार की बात है, किसी महात्मा को हमने लिखा था कि हम आपका सत्संग करने के लिए आना चाहते हैं, उनका पत्र आया कि देखो अब तक जो तुमने देख के सुन के सोच के समझ के पढ़ के माना है, जो मान्यताएं तुम्हारे दिल में घुस गई है, यदि मेरे समझाने से वे गलत सिद्ध हो जाए तो उनको तुम छोड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं, यदि गलत मान्यताओं को छोड़ने के लिए तैयार हो तुम तो मेरे पास आ जाओ और मेरे पास रहो सत्संग करो, और यदि तुम्हें अपनी जो अविवेक पूर्ण मान्यताएं हैं बिना सोचे विचारे अंधाधुंध देख करके तुमने मान लिया है, क्या यदि उन्हीं को मानते रहना है तो मेरे पास आने से कोई लाभ नहीं है। पहले ये देखो कि गलत को छोड़ने की तुम्हारे अंदर शक्ति है कि नहीं, त्याग का सामर्थ्य है कि नहीं। तो भगवान के पास जाने के लिए शरणागत होने के लिए
नारायण किसी जाति का, किसी भूगोल का, किसी मजहब का, किसी खास प्रकार की रहनी का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और वो तो श्रीधर स्वामी ने व्याख्या की कि भगवदर्थं कृतानि सर्वाणि कर्माणि धर्म एव भागवतो धर्म। बस हम संपूर्ण विश्व के रूप में जो भगवान है उनके लिए ये कर रहे हैं। तो ये बात श्री कृष्ण के जीवन में आती है, जब द्रौपदी के बटलोई में पतीली में लगा हुआ शाक का एक टुकड़ा उन्होंने अपने मुंह में डाला और बोले अरे न विश्वात्मा प्रियताम, इसके द्वारा विश्वात्मा तृप्त हो। तो भगवान की शरण में जाने का अर्थ ये है कि ये जो देह और देह मूलक जो संबंध है और देह मूलक जो मान्यताएं हैं नारायण, उन सबको भगवान के प्रति समर्पित कर देना, एक तो एक भाव ऐसा है। अब तवास्मिति च जाचते, ये एक दूसरा भाव है। नारायण हमारे वैष्णवाचार्य तो कहते हैं कि इस पे नारायण श्री रामानुजाचार्य की टीका वाल्मीकि रामायण पर मिलती है, तनिश्लोकी उसका नाम है, तनिश्लोकी। और गोविंद राज का भूषण है, शिरोमणि है, तिलक है। और वेदांत देशिक ने तो रामानुज संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हैं, उन्होंने रामायण पर बहुत बहुत लिखा हुआ है। तो वो त्रिजंत गुरु उनको बोलते हैं, त्रिजंत गुरु वेदांत देशिक वेंकट। तो वेंकट नाथ कवि तार्किक, कवि केसरी, तार्किक केसरी कवि शिरोमणि ऐसे बोलते हैं। वो कहते हैं कि देखो यहाँ भगवान कहते हैं कि केवल बोलो, केवल बोलो कि शरण शब्द का उच्चारण करो। अद्भुत है, केवल शरण शब्द का उच्चारण मात्र ही भगवान को हमारे पास लाकर हमारी रक्षा के लिए विवश कर देता है, केवल शरण मात्र का उच्चारण। तो तवास्मिति च जाचते, तो प्रभु से कहो कि मैं तुम्हारा हूँ। अभी तो भाई मेरे मैं धन का हूँ, ऐसा है कि मैं धन का हूँ, मैं पत्नी का हूँ, मैं माता का हूँ, मैं पुत्र का हूँ, मैं नाना नानी का हूँ, मैं दादा दादी का हूँ, तो फिर का मैं जाति का हूँ, मैं धर्म का, मैं मजहब का हूँ। ये मजहब जितने हैं ये धर्म के एक अंग का प्रतिपादन करने पर भी जो उन्होंने अपने को टुकड़ा कर लिया, परिच्छिन्न कर लिया, तो उसमें विकृतियों का आना बिल्कुल स्वाभाविक था। जब एक पूर्ण वस्तु अपने को एक संकीर्ण क्षेत्र में खींचती है, आबद्ध करती है, तो उसमें विकृतियों का आना बिल्कुल स्वाभाविक है। वो आसपास के पड़ोस के लोग जो हैं उस पर आक्रमण करेंगे और आक्रमण को रोकने के लिए उसे विकार का रूप ग्रहण करना पड़ेगा। तो तवास्मिति च जाचते, जो कहता है प्रभु मैं और किसी का नहीं हूँ, मैं प्रांत का नहीं हूँ, राष्ट्र का नहीं हूँ, मैं किसी फिरके का नहीं हूँ, मैं किसी नारायण मजहब का नहीं हूँ, तब तुम कौन हो? तब मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। श्री शंकराचार्य भगवान ने कहा सत्यति भेदापगम है। मधुसूदन सरस्वती ने इसको द्वितीय शरणागति के उदाहरण में लिया है। सत्यति भेदापगमे नाथ कवाहम नमामकी नस्त्वम सामुद्रोही तरंगा वचन समुद्रो न तारंगा तवास्मी, मैं एक लहर हूँ और तुम समुद्र हो, मैं एक बूंद हूँ और तुम जल हो, मैं एक कण हूँ तुम पृथ्वी हो, मैं एक चिंगारी हूँ तुम अग्नि हो, मैं एक छोटी सी हवा की लहर हूँ और तुम संपूर्ण वायु हो, मैं घटाकाश के समान हूँ और तुम महाकाश हो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे सिवाय और किसी दूसरे का मैं नहीं हूँ। श्री रामानुजाचार्य ने कहा कि अनन्य भोग्यताम भक्तिम प्रयच्छ, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई मेरा भोग न करे और मैं तुम्हारे सिवाय दूसरा किसी का भोग न करूं, मैं तुम्हारे काम आऊं और मैं तुमको हमेशा देखता रहूं,
तुम्ही को सुनो, तुम्ही को देखो, तुम्ही को छुओ, तुम्ही को सूंघो, तुम्ही को चखो, मेरा जीवन संपूर्ण जीवन तुम्हारे लिए हो जाए और तुम मुझे देखो, तुम्हारे सिवाय मुझे और कोई अपना भोग्य संसार में न बना सके। तवास्मी तवास्मी बल्लभ संप्रदाय में तो श्री कृष्ण तवास्मी ये ब्रह्म संबंध के रूप में स्वीकार किया जाता है कि प्रभु मैं तुम्हारा हूँ। तो ये विचार करो कि मैं हूँ किसका। एक बार महाराज भगवान से कह दो कि मैं तुम्हारा हूँ। तवास्मी तिज जात अभयम सर्वभूते दियो ददामि तद्व्रतम मम। भगवान का ये व्रत है, किसी प्रकार की संकीर्णता न कालिक संकीर्णता और न भौगोलिक संकीर्णता और न तात्विक संकीर्णता, किसी प्रकार की संकीर्णता को लेकर के भगवान के सामने आता। आजकल तो महाराज हर बात को आजकल के जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो इतिहास की सीमा में बांध देते हैं, परंतु वो इतिहास आया कहाँ से? 5000 बरस से, 50000 बरस से, लाख बरस से। अच्छा उसके पहले क्या था? यदि बीज नहीं होगा तो वृक्ष कहाँ से होगा, और वृक्ष नहीं होगा तो बीज कहाँ से होगा? इस जब इतिहास की सीमा में हम इस विश्व सृष्टि को बांधते हैं तो इसको निर्बीज बना देते हैं। ये निर्बीज, ये सृष्टि निर्बीज नहीं है, अनादि काल से है, इसलिए इतिहास की सीमा में कोई वस्तु नहीं होती है। सब नारायण है, अनादिकाल से सब का सब। अनादि माने अज्ञान नहीं होता है, अज्ञान माने जो होए लेकिन बुद्धि ग्राह्य न होए, उसको बोले उसको अनादि, उसको अनादि बोलते हैं। जैसे आत्मा अनादि है, अब बुद्धि से पकड़ो कि आत्मा कब पैदा हुआ, तो नारायण जैसे आत्मा का अनादित्व सत्य अनादित्व है, कब इसी प्रकार महाराज ये जो विश्व सृष्टि है, ये जो परमात्मा का स्वरूप है, इसको किसी ऐतिहासिक सीमा में बांधने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर भी ऐतिहासिक सीमा में नहीं है, तत्व है नारायण, वो सदा सर्वदा है और जहाँ काल नहीं मालूम पड़ता वहाँ भी है। धर्म की भी सत्ता ऐसी ही है नारायण, ये विश्व सृष्टि की भी सत्ता ऐसी है, तत्व ज्ञान के द्वारा इसकी अन्यता बाधित होती है, प्रतीति बाधित नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में ये जो शरणागति है ये क्या है? का अभयदान है। अकुतश्चित भयम, इसमें नारायण कहीं किसी से भय की परिस्थिति आती ही नहीं है। जहाँ जब हम डरते हैं तो देखो, डरते हैं तो क्या ईश्वर पर विश्वास करते हैं, क्या प्रारब्ध पर विश्वास करते हैं, क्या प्रकृति पर विश्वास करते हैं, क्या आत्मबल पर विश्वास करते हैं, क्या सत्य को जान करके डरते हैं? नारायण जिस समय हमारे जीवन में ये भय और शोक आते हैं उस समय हम यथार्थ से सर्वथा वंचित हो जाते हैं। ये जो हमारा अध्यात्म शास्त्र है अथवा भक्ति शास्त्र है, ये सर्वथा मनुष्य के जीवन में निर्भयता की स्थापना करने के लिए है, और ये निर्भय होकर निर्द्वंद होकर अपने कर्तव्य का पालन करे, इसको कर्तव्य से विमुख करने वाला, कर्तव्य से चित करने वाला और कोई पदार्थ नहीं है। सो नारायण यही है अभय होने का उपाय। क्या उपाय है? कि तुम दुनिया में किसी के रहोगे तो उसके छूटने पर तुम्हें भय होगा, और वो तुमसे छूटेगा तब तुमको भय होगा। लेकिन यदि तुम ईश्वर के होकर के रहोगे तो ना ईश्वर के छूटने का भय होगा न तुम्हारे छूटने का भय होगा। इतना मजबूत है ईश्वर का हाथ कि उससे तुम कभी गिर नहीं सकते, उसकी मुट्ठी से कभी बाहर नहीं जा सकते। तो ये जो ईश्वर की शरणागति है ये सर्वथा सबसे अभय करने वाली है और सबको अभय करने वाली है। चतुर्थी हो तो सबको अभय करने वाली है, और पंचमी हो तो सबसे अभय करने वाली है। ये भगवान रामचंद्र का व्रत है। एक बार कहो तुम मेरे और मैं तुम्हारा नारायण, एक बार कहो कि बस तुम्हारा ही विश्वास है, तुम्हारा ही भरोसा है, तुम्हारी शरण है, इसको बोलते हैं शरणागति। तो रामचंद्र महाराज अपने इस व्रत की घोषणा कर दी। अब तो हम सुग्रीवादी जो है वो सबने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। वस्तुतः महाराज ये बात आपके सिवाय सृष्टि में कहने वाला दूसरा कोई नहीं है। जिसको अपने लिए भय होता है वो दूसरे को अभय नहीं कर सकता है।
यदि स्वयं भगवान रामचंद्र निर्भय न होते, अभय न होते, तो दूसरे को अभय दान भी नहीं कर सकते। इसलिए शरणागति जो होती है वो भी भय रहित पुरुष की होती है। भयभीत पुरुष की, भयभीत पुरुष की शरणागति नहीं होती है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। भगवान श्री रामचंद्र स्वयं नारायण चाहे उनको मानव के रूप में अभय दाता मानो तो भी अभय दाता है, और मानव तो उनका रूप है ही है, और यदि ईश्वर के रूप में मानो तो तब भी अभय दाता है। जो अभय होगा वही अभय दे सकेगा। मैंने एक हंसी की बात सुनी थी कि एक श्रीमती थी, वो अपने पति से कहती थी कि हमको धन दो, हमको पैसा लाओ, जेवर लाओ, कपड़ा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, रोज रोज उनका तकाजा बना ही रहता था। तो एक दिन पतिदेव ने उनसे प्रश्न किया कि तुम हमसे रोज रोज धन मांगती हो, जेवर मांगती हो, कपड़ा मांगती हो, थोड़ी बुद्धि क्यों नहीं मांग लेती हो। और पत्नी ने महाराज चट से जवाब दिया कि जिसके पास जो चीज होती है वही उसको मांगी जाती है। जब तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास जो है सो मैं तुमसे मांगती हूँ और सो तुम दे सकते हो। अब बुद्धि तो है ही नहीं तुम्हारे पास, दोगे कहाँ से। तो अभय भी लेना हो तो परमात्मा से ही, जो अभय है जिसे राम है, अभय पुरुष है ना। अभय मभय जनक प्राप्त होती, जनक भी अभय है, रघु भी अभय है, और जिस सूर्य वंश में रामचंद्र पैदा हुए हैं वो सूर्य भी अभय है। कर्मयोगी शक्ति पंथा मनुचरेवा सूर्या चंद्र मसाविव, कर्मयोगी के लिए निर्भयता आवश्यक होती है, और उसका संसार में किसी के साथ संबंध होकर नारायण फिर कर्मयोग में बाधा पड़ते हो, असंबंध होता है वो और किसी के साथ संबंध नहीं होता। मैंने कभी महात्मा गांधी की एक पुस्तक पढ़ी थी, वो तो योगी हरि जी को तो मालूम होगा कि वो कौन सी पुस्तक थी, बचपन की बात है, गांधी जी थे जब ही की बात है। उसमें ये लिखा था कि सत्य के मार्ग पर जब चलना हो तो दो दो करके नहीं चल सकते, एक एक करके चलना पड़ेगा। यदि तुम दूसरे को भी अपने साथ समेटना चाहोगे तो उसका ख्याल करना पड़ेगा कि कोई आगे हो जाए, कोई पीछे हो जाए। मैंने ऐसा कभी तुम्हें परमात्मा की ओर चलना, सत्य की ओर चलना है कि परमात्मा की रक्त की दुनिया की ओर चलना है। मैं समझता हूँ कि वो जो महाव्रत है उनके उसमें ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत के संबंध में जहाँ उन्होंने उल्लेख किया है ये बात कही है। तो ईश्वर कृपा से जब ईश्वर की ओर देखते हुए चलोगे तो संसार में कहीं किसी से भय नहीं होगा, उसी के पास अभय है। अब तो ये बात तो हम राम कह सकते हैं। अब सुग्रीव ने भी कहा कि हाँ महाराज यही बात बिल्कुल ठीक है। हनुमान की तो प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा, और वो बोले, भगवान बोले कि आनयस्व विभीषणम, तुम लोग विभीषण को आदर सत्कार के साथ ले आओ। अब आदर सत्कार के साथ जब विभीषण लाएंगे बैठ गए। अब ये बानरों के मन में, किसी किसी के मन में तो बड़ी कुलबुलाहट थी कि ये शत्रु का भाई है, शत्रु है, और रामचंद्र इसको यहाँ रख लेते हैं तो ये कहीं कोई हानि न पहुँचा दे। रामचंद्र तो अभय थे, पर बानर जो वहाँ बैठे थे आते तो बानर आ, उनके मन में किसी किसी की शंका थी। तो विभीषण जी को अपने पास बैठा के रामचंद्र ने विभीषण से पूछा कि तुम बताओ कि लंका का दुर्ग कैसा है, वो बानरों की शंका मिटाने के लिए, और वहाँ रक्षा की क्या क्या व्यवस्था है, सेना कैसी रहती है, रावण का बलाबल कैसा है, ये बताओ। अब हनुमान जी को बिल्कुल गवाह थे, वो तो देख के ही आए थे सब। अब विभीषण जी ने बिल्कुल ठीक ठीक कैसे रावण की खाई है, और कैसे चहार दीवारी है, और कैसे सेना का व्यूह है, और कैसा उसका महल है, और उसमें प्रवेश के कौन कौन से मार्ग ठीक हैं, कैसे आक्रमण करना चाहिए, ये महाराज बिल्कुल सत्य सत्य विभीषण ने रामचंद्र के सामने कह दिया। अब बानरों ने सुना, तो जैसा हनुमान जी ने सुनाया था पहले बिल्कुल वैसे ही। अरे कहिए तो जैसे हनुमान जी वहाँ से सत्यान्वेषण करके लाए थे वैसे ही सत्यान्वेषण, वही वैसे ही सत्य विभीषण भी प्रकट कर रहे हैं।
तो असल में विभीषण तो रावण कुंभकर्ण पर कृपा करके रामचंद्र को ले जाने के लिए आए थे, तो उनके आने में विलंब न हो और यहाँ आने पर रावण और कुंभकर्ण के उद्धार में विलंब न हो, इसके लिए करुणापूर्ण महात्मा के रूप में सनत कुमार के रूप में ही वे वहाँ पधारे हुए थे, ऐसा दूसरे पुराणों में वर्णन मिलता है। अब तो जब विभीषण जी ने ये सब बताया तो तुरंत भगवान रामचंद्र ने कहा कि ले आओ समुद्र का जल, क्योंकि समुद्र में सारे तीर्थ समाये रहते हैं। और तुरंत उन्होंने राजा के पद पर लंका का राज्य जो है वो विभीषण को दे दिया। नारायण, ये भी एक बड़ी बात है, रामचंद्र सत्य प्रतिज्ञ है, सत्य संध है, उनकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती, ये बात लोगों को मालूम है। तो जब विभीषण को उन्होंने राज्याभिषेक करवा दिया लक्ष्मण से कि तुम तिलक कर दो, और जो लक्ष्मण ने तिलक किया, अब ये बात मालूम हुई कि अरे भाई ये बात बिल्कुल पक्की हो गई कि अब रावण मर जाएगा और उसके स्थान पर विभीषण राजा होंगे। अपनी सेना को तो बड़ा भारी आश्वासन मिला, बड़ा भारी बल मिला, इससे नारायण विजय के संबंध में पहले से तो निश्चिंत थे ही, अब बिल्कुल निश्चिंत हो गए, और निश्चिंत हो गए कि अब तो लंका पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। अब पहला प्रश्न रामचंद्र की सभा में ये उठा कि समुद्र को पार कैसे किया जाए। समुद्र इच्छते थी सम्यक उद रिच्यते इति समुद्र, जो हर समय लहराता रहे उसको समुद्र बोलते हैं। संस्कृत में कोई शब्द होता है नारायण तो उसका अर्थ भी होता है, वो जैसे ए बी सी करके कोई बात लिखी जाती है ना, ऐसे नहीं होती है, प्रत्येक शब्द का निरुक्त में कहीं न कहीं मूल मिलता है। समुद्र इच्छते इति अथवा मुद्रा भी सहिता, जिसमें धन संपदा बहुत हो उसका नाम मुद्रा, जिसमें बहुत हो उसका नाम समुद्र, अथवा मुद्रा माने शांत मुद्रा, विक्षिप्त मुद्रा, कभी शांत होता है कभी विक्षिप्त होता है, इसलिए उसको समुद्र कहते हैं। नारायण, मुद्रा माने मुद्रा से उपलक्षित लक्ष्मी जहाँ से निकली हैं उनका नाम है समुद्र। अब ये हुआ कि समुद्र पार कैसे जाएं, तो सबसे पहले विभीषण से ही पूछा गया कि आप अपनी सम्मति बताइए। वैसे तो मतभेद बहुत था कि समुद्र को पार कैसे किया जाए, लेकिन पूछा गया विभीषण से। अब विभीषण को तो महाराज शरणागति का ऐसा संस्कार, ऐसा संस्कार बैठा हुआ था कि जो काम होता है वो शरणागति से सिद्ध हो जाता है। शरणागति के लिए शरण कौन है इसका विचार करना पड़ता है। शरण माने शरण साधु, जो शरण लेने योग्य हो, जो शरणागत की रक्षा कर सके उसकी शरण ली जाती है, जिसका आश्रय लेना सुगम हो, आश्रय सौकर्या पावन और आश्रित कार्य निर्वाह, जो शरण में आवे उसका काम वो बना सके और उसका आश्रय लेने में कोई बहुत कठिनाई ना हो, दो बात हो तब शरणागति ली जाती है। शरण में भी गुण होते हैं, आश्रित संरक्षण और आश्रय सौकर्य। अपने गांव के पास जब नाव पर गंगा पार करने के लिए जाया करते थे तो मल्लाह पर हमारा पूरा विश्वास था कि हमको नाव से पार कर देगा, और हम छोटे थे नाव पर नहीं चढ़ सकते थे, तो वो खुद नाव पर से उतर के आता और हमको उठा के अपने हाथों में गोद में ले लेता और नाव में बैठा देता। तो देखो आश्रयण में सुगमता कर भी देता वो, और हमारा जो काम था गंगा से पार जाना उसको भी पूरा कर देता। ये दोनों काम जो कर दे, जो शरण लेने योग्य वो शरण लेने योग्य होता है, हाथ पकड़ के खींच भी ले हो और नारायण हमको हमारे घर भी पहुंचा दे, ऐसा चाहिए इस शरण लेने के लिए। परंतु विभीषण को तो ऐसी शरणागति व्याप गई थी उनके रोम रोम में, उन्होंने रामचंद्र को सलाह दी कि ये जो समुद्र है इसकी शरण लो। असल में देवता तो सब में होते हैं, समुद्र की शरण लो। अब महाराज उनके कहने से रामचंद्र का भाई पहली सलाह है, ये मंत्री बनाए गए हैं और शरणागति से इनका कल्याण हुआ है और हमको पहली सलाह दे रहे हैं, तो इसमें कुछ नारायण इनकी बात जब नहीं मानेंगे तो इनके मन में कुछ गिलानी होगी कि हमने सलाह भी दी और नहीं मानी। तो अपने को भले छोटा बनना पड़े, लेकिन जो अपने मित्र की बात है तो उसकी सलाह को बड़े प्रेम से सुनना चाहिए, मानना चाहिए। अब रामचंद्र ने
तुरंत कुशासन बिछा लिया। यद्यपि पहले रामचंद्र ये बात भरत को कह चुके थे कि जो मूर्धाभिषिक्त राजा है उसको कुशासन पर लेट करके ऐसे सत्याग्रह नहीं करना चाहिए, वो तो जो दूसरे लोग हैं उनका धर्म है, मूर्धाभिषिक्त में तो वीर चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, भरत ये तुम क्या कर रहे हो, भरत को मना कर दिया था। लेकिन महाराज ऐसे शरणागत वत्सल की विभीषण की बात सुन करके अपनी बात भूल गए और विभीषण की बात को मान करके और कुशासन पर लेट गए। अब महाराज समुद्र तो जल है, अब हम लोग तो मानते हैं कि सब में देवता होता है, परंतु समुद्र देखने में तो जल ही है। अब तीन दिन तक कुछ कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब रामचंद्र ने कहा कि अच्छा भाई अब शरणागति पूरी हो गई, आओ लक्ष्मण अब तुम्हारी सलाह के अनुसार काम करें, और मंगाया धनुष बाण। और जब साधारण रूप से समुद्र मार्ग देने के लिए तैयार नहीं हुआ तब तो उन्होंने कहा कि लाओ लक्ष्मण अब ब्रह्मास्त्र से हम समुद्र को सुखा देते हैं। अब तो सारी दुनिया थर थर कांपने लगी और चेतनता तो सब जगह होती है महाराज, सर्वस्मिन सर्वम ये नियम है कि सब में सब होता है, जो प्रकृति की सृष्टि है सब में प्रकृति भरपूर होते हैं, जो ईश्वर की सृष्टि है उसमें ईश्वर भरपूर होती है होता है, और नारायण ये ब्रह्म की सृष्टि है तो ब्रह्ममय ये सृष्टि है, चेतनता रहित तो कोई वस्तु है ही नहीं। जब ब्रह्मास्त्र के कारण तीनों लोग थर थर कांपने लगा तो समुद्र के भीतर जो छिपा हुआ चेतन था, जो देवता देवता था समुद्र के भीतर छिपा हुआ, तब वो प्रकट हो गया और उसने रामचंद्र का सत्कार किया और बताया कि आपके पूर्वजों के द्वारा ही तो हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई है, इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा करो, और आपके पास ये जो नल नील है ये हमारे ऊपर सेतु बनावे और सेतु बना करके आप उस पार जाइए, क्योंकि रामचंद्र का जो जीवन है वो सेतु रूप ही है, नारायण दशरथ और जनक दोनों वंश के लिए सेतु, विश्वामित्र और वशिष्ठ के लिए सेतु, नारायण क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए सेतु, वो तो धर्म के सेतु हैं स्वयं राम। तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ भी आप एक सेतु, सेतु माने मर्यादा होता है, एक मर्यादा बनाइए कि उस रास्ते से सब लोग वहाँ चले जाएं, मर्यादा का उल्लंघन करना आपके लिए ठीक नहीं है। तो नल नील कैसे ये सेतु बना सकेंगे, इसके लिए वाल्मीकि रामायण में तो ये कथा नहीं है, दूसरे लोग ये कथा सुनाते हैं। वो कथा क्या है कि जब नल नील बालक थे तो बानर तो थे ही, और महात्माओं के आश्रम पर ये इधर उधर चंचलता करते रहते थे जैसे बानर करते हैं, तो महात्माओं के कोई किसी के महात्मा के किसी महात्मा के शिवलिंग का और किसी महात्मा के यहाँ सालग्राम थे, और सालग्राम भी बड़े बड़े महाराज, सैकड़ों प्रकार के सालग्राम थे, छोटे है बड़े, अब सवा मन के सालग्राम बोलते हैं, वृंदावन में भी सवा मन के सालग्राम और अयोध्या जी में भी सवा मन के सालग्राम, तो महात्माओं के पास सालग्राम की बटिया होती और शिवलिंग होता, और उसको जब मौका देखते तो झट उठा करके पानी में फेंक देते। अब तो महात्मा लोगों के ठाकुर जी जो है वो डूब जाते, तो ऋषियों ने उन्हें ये साफ दिया कि जो चीज तुम पानी में फेंकोगे वो कभी डूबेगी नहीं। ये भी नारायण एक संकल्प है, आपका हाथ कैसे उठता है, आपके संकल्प से ही उठता है, आपका पांव कैसे चलता है, आपके संकल्प से ही चलता है। तो जो लोग विश्व सृष्टि से तादात्म्यपन्न हो जाते हैं उनके संकल्प से ये सारी विश्व सृष्टि चल सकती है। एक विरूपाक्ष जोगी का नाम आया है, ये नारायण एक बार स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में क्या हो रहा था कि इंद्र हाथियों की लड़ाई देख रहे थे, कई हाथी आपस में लड़ा लड़ा के इंद्र देख रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने विरूपाक्ष जोगी से कहा कि आओ तुम भी बैठो देखो। अब विरूपाक्ष ने डांट लिया, ये क्या लड़ाई है, हाथियों की लड़ाई कोई लड़ाई है, तब कैसी लड़ाई होती है। तो विरूपाक्ष जोगी ने एक हाथ पर एक पर्वत और दूसरे हाथ पर दूसरा पर्वत उठा लिया और उनको लड़ाना शुरू किया। अब आजकल के लोगों के लिए ये असंभव मालूम पड़ता है, परंतु जो योग की शक्ति है उसमें केवल देह की शक्ति शक्ति नहीं रहती है, अपना जो मन है संकल्प है
प्राण है, आत्मा है, वो संपूर्ण विश्व सृष्टि के साथ एक हो जाते हैं। उनके लिए जैसा दो हाथ है वैसे ही दो पर्वत है महाराज। अब उन्होंने जो लड़ाना शुरू किया ये गुरु विरूपाक्ष पंचाचिका इसके लिए ग्रंथ ही है एक प्रकार। तो ये जो शक्ति है महाराज वो बड़ी विलक्षण योगियों की शक्ति होती है। अब उनके हिसाब से नल नील जो है कहिए तो जो चीज डालेंगे समुद्र में वो तैरती रहेगी। तो ये वृक्ष डालें और ये पत्थर डालें और ये दूसरे पहाड़ डालें वो सब के सब तैर जाएंगे, जट से तो बन जाएगा और उसी के द्वारा आप पार हो जाएंगे। समुद्र ने की ये प्रार्थना सुन करके राम ने उसको स्वीकार कर लिया और फिर तो समुद्र के बंधन की तैयारी हुई। अब आगे का प्रसंग आपको कल सुनाएंगे। ओम शांति शांति शांति।